शासरिया काल दोस्तों एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं जी तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके गल करांगे जी पंजाब स्कूलों बारे इस समय दी सब तो बड़ी ते ताजा खबर बारे। सब तो पहला चैनल स्टडी एंड जॉब अलर्ट्स देख रहे सारे श्रोतियां दा स्वागत करदे हां। पहली वड्डी खबर दोस्तों दरिया विच वध्या पानी, स्कूलों नूं हुण तो तुरंत छुट्टियां करन दे हुक्म जारी, होणगीआं हुण अनलिमिटेड छुट्टियां। अगली वड्डी खबर दोस्तों पानी खतरे तों उपर सारे स्कूल बंद, फौज एनडीआरएफ टीमां भी तैनात कीती गईआं ने। दोस्तों अगली वड्डी खबर पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग दे वल्लों पंजाब दे सरकारी स्कूलां नूं सख्त हुक्म होए जारी। अगली वड्डी खबर दोस्तों पंजाब दे मौसम दे नाल जुड़ी हुई तुहानूं सारे खबरां बारे वीडियो विच अग्गे पूरी जानकारी दिंदे आं। पर वीडियो शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल ते नवे हो अते अजे तक भी अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां दोस्तों कृपा करके अपने चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करके रखियो ते नाल ते बैल आइकन प्रेस कर लियो, क्योंकि तुहानूं अपने चैनल ते इसे तरह पंजाब अते पंजाब स्कूलां बारे वड्डियां ते अहम खबरां लगातार घर बैठे बिलकुल मुफ्त विच देखण नूं मिलदी रहणगीआं। शुरुआत कर लेने समय की सब तो पहली ते वड्डी खबर तो पहली वड्डी खबर है जी रणजीत सागर डैम दे विचों उज दरिया विच छड्या 2.60 लाख क्यूसक पानी लोगों के साह सूते। जी हाँ दर्शकों पहाड़ी खेतरां विच हो रही लगातार भारी बारिश कारण दरियावां दे नालियां विच पानी दा पद्धर वध गया है, जिस तहत अज सवेरे एक बार फिर तो उज दरिया विच 2.60 लाख क्यूसक पानी छड्या गया है। डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने ही जानकारी देते हुए दसा कि उज दरिया विच 2.60 लाख क्यूसक पानी छड्या गया है, तां जो अज सवेरे 10 बजे तक मकौड़ा पत्तन कोल रावी दरिया विच आ के मिल चुका है, जिस तों बाद रावी दरिया विच पानी दा पद्धर पूरा 3 लाख क्यूसक पानी हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने दसा कि उस तों 2 घंटे बाद यह पानी करीब दोपहर 12 बजे धर्मकोट पत्तन घोने वाला डेरा बाबा नानक तक पहुंच गया है। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया उज ते दरिया रावी के नेड़े रहिंदी हुई बसों नूं सावधान करदिआं कहा है कि वह उज ते रावी दरिया के हड़ प्रभावित खेतरां तों दूर रहन अते नाल ही अपने जानवरां आदि नूं सुरक्षित थावां ते लै के जाण। अगली वड्डी खबर दोस्तों मौसम विभाग वल्लों पंजाब विच 22 लई तक येलो अलर्ट जारी, हड़ां दा मुड़ खतरा। जी हाँ दर्शकों पंजाब विच अजे बारिश का कहर टलिया नहीं, मौसम विभाग ने पंजाब विच 22 जुलाई तक मीह लई येलो अलर्ट जारी कर दिता है। सूबे के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश विच भी बारिश हो सकती है। इस नाल पंजाब अंदर बहिंदे दरियां ते नालियां विच पानी की पद्धर भी वध सकता है। हासिल जानकारी मुताबक पंजाब दे विच अजे भी एक्टिव आ। मौसम विभाग ने 22 तक हल्की तो दरमियानी बारिश के नाल नाल गरज ते तेज हवावां चलन की भविष्यवाणी की है। इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश विच भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी मीह का अलर्ट जारी कर दिता है। अगली खबर वड्डी खबर है जी पंजाब के 19 जिलों के 1432 पिंडां विच हड़ां ने मचाई तबाही, 26,280 लोगों को छड्डना पिया घर। जी हाँ दर्शकों पंजाब विच हड़ां नाल होई तबाही की तस्वीर सामने आउण लगी आ। इस बारे सरकार ने ही अंकड़े जारी किए ने। इन्हां अंकड़ों मुताबक सूबे के 19 जिलों के 1432 पिंड हड़ां नाल प्रभावित होए ने। सरकार वल्लों 26,280 लोगों को सुरक्षित थावां ते पहुँचाया गया है, भाव यह लोग अपना घर छड्डण लई मजबूर होए ने। 3828 लोग अजे भी 155 राहत कैंपां विच रह रहे ने। इस तों इलावा हुण तक 38 लोगों की मौत होई है ते 15 जख्मी हो चुके ने। अगली वड्डी खबर है जी पटियाला संगरूर ते लुधियाणा सने इन्हां जिलों विच मीह दा अलर्ट जारी। जी हाँ दर्शकों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब ते हरियाणा के कई जिलों विच अज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग मुताबक अज समाणा, पटियाला, नाभा, राजपुरा, फतेहगढ़ साहब, अमलोह ते खन्ना विच दरमियाने मीह की संभावना है। इस तों इलावा सुनाम, संगरूर, धूरी, मलेरकोटला, पातड़ा, समाणा, पटियाला, नाभा, राजपुरा, डेरा बस्सी, फतेहगढ़ साहब, अमलोह, मोहाली, बस्सी, पठाना, खन्ना, पायल, खमाणो, लुधियाना, पूर्वी समराला विच मीह की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग मुताबक भारी मीह दे नाल आम जनजीवन प्रभावित तो हो सकता है। मौसम विभाग के सीनियर अधिकारी AK सिंह ने न्यूज़ 18 नाल गलबात करदिआं इह जानकारी दित्ती है। उन्होंने दस्सिया कि इस समय इन्हां सूबिआं विच मानसून पूरी तरह नाल सरगर्म हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ विच मीह पवेगा, कुछ इलाके अजिहे ने जिथे भारी मीह पै रहा है। उन्होंने साफ आख्या कि अगले 3 तों 4 दिन मौसम इसी तरह रहण वाला है।
पंजाब दे सरकारी स्कूलां दे सिक्ख्या विभाग ने कसिया सिकंजा। जी हां दर्शको, पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग ने हुण सूबे दे सरकारी स्कूलां दे सिकंजा कसना शुरू कर दिता है। सरकारी स्कूलां विच विद्यार्थियों दे दाखले संबंधी टीचे गए हन। दरअसल सिक्ख्या विभाग इस टीचे नूं पूरा ना करन वाले स्कूलां खिलाफ कार्रवाई करन दी तैयारी कर रही है। विभाग ने अजे स्कूलों के प्रिंसीपल नोटिस जारी करना शुरू कर दिता जो मिथे टीचे अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखले में वाधा नहीं कर सके हैं। यह भी दसा जा रहा है कि बठिंडा जिले के 6 स्कूलों के प्रिंसीपल कारण दसो नोटिस जारी किए गए ने। इन स्कूलों के प्रिंसीपल 10 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा, इन्ना ही तो इन्होंने खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये भी दसा जा रहा है कि विभाग में कई स्कूलों में बच्चों के दाखले ना होने की शिकायत भी मिली सन। इस तो बाद इन मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ चुका जी। उज दरिया में वध्या पानी का पद्धर, स्कूलों में किया गया छुट्टियों का ऐलान। जी हाँ दर्शकों, पंजाब के लगभग सारे जिले में 17 जुलाई तो स्कूल खोलने के हुक्म जारी किए गए सन। इस दे नाल ही सूबा सरकार वालों ये भी कहा गया सी कि जिन्हां जिलों में मीह कारण हालात खराब हैं उत्थे डीसी स्कूलों में छुट्टियां करने के हुक्म जारी कर सकते हैं ताँ जो बच्चों को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो सके। तुहानू दसे कि डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के हुक्मों तो बाद जिला सिक्ख्या अधिकारी के संबंधित स्कूलों के मुखिया नूं छुट्टियां संबंधी पत्र जारी कर दिता गया है। जारी पत्र विच उज दरिया कोल लगदे इलाके डेरा बाबा नानक सब डिवीजन धर्मकोट पतन डाला गुरचक तलवंडी हिंदुआ अते मकौड़ा पतन दे स्कूलों में छुट्टियां की गई ने। हालांकि पत्र में स्कूलों में हुई छुट्टियों बारे किसी निश्चित तरीक का जिक्र नहीं है, पर इस लिखा गया है कि रावी उज दरिया तो ज़्यादा पानी आने कारण स्कूलों की स्थिति ठीक होने तक छुट्टियां रहनगियां, भाव दोस्तों अनलिमिटेड छुट्टियां की गईगियां सरकार दे वल्लों गुरदासपुर जिले दे विच, ताकि दोस्तों जिहड़े बच्चे ने दोस्तों अपने घर ठीक ठाक सुखी हंदी रहन, क्योंकि जी दरिया दे विच पानी बहुत बढ़ चुका है। अगली खबर, वड्डी खबर है जी, केंद्र सरकार वालों झोने समेत सौनी मौसम दियां सारियां फसलां दे MSP विच कीता वाधा। जी हाँ प्यारे दर्शकों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अज कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक दौरान केंद्र सरकार ने 2023-24 झोने के घट तो घट समर्थन मुल MSP 143 रुपए बढ़ा दिता है। इस दे वाधे नाल झोने की प्रति क्वांटल कीमत 2183 रुपए हो जाएगी। इस तो अलावा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौनी मौसम दियां होरना फसलों के MSP विच भी वाधा किया है, जिस विच मूंगी की कीमत सब तो ज़्यादा 803 रुपए का वाधा किया गया है। इसनू हुण 8558 रुपए प्रति क्वंटल कर दिता गया है। हाईब्रिड ज्वार की कीमत पिछले साल मुकाबले 2000 रुपए वधा के 3180 रुपए कर दी गई है, जबकि बाजरे की कीमत 150 रुपए वधा के 2500 रुपए कर दी गई है। पंजाब की अगली वड्डी खबर दोस्तों, पंजाब के इन्हां स्कूलों में फिर पईआं छुट्टियां 4 दिन बंद रहेंगे, इस वजह करके लिया वड्डा फैसला। जी हाँ दर्शकों, पंजाब इस समय बहुत मुश्किल दौर विचों लंघ रहा है। हड़ां दे पानी ने पंजाब विच तबाही मचा रखी आ, जिस करके पहला भी पंजाब दे स्कूलों 16 जुलाई तक बंद किया गया सी, पर 17 जुलाई नूं मुड़ तो स्कूल खोले गए सन। उधर दूजे पासे डिप्टी कमिश्नर विशेष सरंगल ने सब डिवीजन शाहकोट अधीन पैंदे लोहिया नाल संबंधित 3 सरकारी स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी रखन दे हुक्म जारी कर दिते ने। डिप्टी कमिश्नर ने दसा कि पहले दिनों तो पै रही भारी बरसात कारण लोहिया ब्लाक के कई पिंड प्रभावित हुए ने, ते पिंडां दे लोकां दे घरां विच पानी बढ़ गया है, जिस कारण जनजीवन बुरी तरह नाल प्रभावित होया है। विशेष सरंगल ने दसा कि जिला प्रशासन ने फसे लोगों को बचा के स्कूलों में बनाए राहत कैंपों में भेज दिता है, जिस कारण सब डिवीजन शाहकोट के केवल लोहिया ब्लाक में हुक्मों नाल संबंधित सरकारी स्कूलों में 19 जुलाई तो 22 जुलाई तक छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। इन्हां सरकारी स्कूलों में सरकारी प्रायमरी स्कूल मुंडी चोलिया, सरकारी प्रायमरी स्कूल मुंडी शहरी अते सरकारी प्रायमरी स्कूल शामिल किए गए ने। तां प्यारे दर्शकों, इह सन इस समें दीआं सब तो वड्डीआं अते अहम खबरां। उम्मीद करदे तुहानूं खबरां चंगी लगियां होणगीआं। एंड दोस्तों, उम्मीद करदे तुसीं आपणे चैनल नूं
ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।